मुझे जो मैंने खुद का पैसा दिया तो मैंने से कमा के अपनी बच्चों के लिए इकट्ठा किया, वो जो मैं घर ले रही थी, मुझे आज वो पैसा भी नहीं चाहिए। रही बात मेरी बेटियों के हक की, मुझे वो भी नहीं चाहिए। रही बात मेरे हक की कि मेरा हक है स्त्री धन, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर इस मेरे पे वो मैं आज ले भी लूँ मैं, और उस पर ये दाग लगे कि इस वजह से कि शादी कर लेगी, तीसरी शादी कर लेगी, तीसरी आप लोगों ने ऐसा गुणगान बना लिया है या उनको विश्वास नहीं है, तो भाई मैंने आखिर सपना ने वही कदम उठाया जो सपना के दुश्मन चाहते थे। सपना इतने बड़े जाल में फंस गई, सपना को खुद ही को नहीं पता कि सपना कैसे अपने अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गई। सपना ने एक बार कहा था कि मैं अंशु की वजह से यहाँ पे हूँ, अंशु है तो सब कुछ है। कहते हैं कभी भी इंसान को अपना जो कमजोरी है दूसरों को नहीं बताना चाहिए। सपना ने हमेशा सोशल मीडिया पर अपनी कमजोरी बताई कि अंशु मेरी कमजोरी है, तो सब लोगों ने अंशु को ही सपना से दूर किया ताकि सपना जो है उस घर से चली जाए। क्योंकि सपना के सास ससुर को तो सपना उसी दिन से चुभने लग गई थी जब से राजवीर चौधरी चले गए थे। भले ही वो बेटा बेटा क्यों ना बोलते थे, कहीं ना कहीं वो सपना को पसंद नहीं करते थे। जी हाँ दोस्तों, और लड़कियां जो पोतियां हैं, पोतियों को तो वैसे भी कोई पसंद नहीं करता क्योंकि उनको तो वंश बढ़ाने के लिए लड़का चाहिए था। सपना ने फाइनली अपना सब कुछ हक छोड़ दिया, क्योंकि सपना ने जैसे ही अपना हक मांगना शुरू किया, बच्चों के लिए मांगना शुरू किया, वैसे ही कुछ उनके चमचे जो है सोशल मीडिया में फैले हुए हैं। उन्होंने सपना के कैरेक्टर तक के बदनाम करना शुरू कर दिया कि जरूर सपना तीसरी शादी करेगी इसलिए इतना ज़्यादा हक मांग रही है। मतलब किस चीज़ को किस चीज़ से जोड़ दिया गया और सपना को तोड़ दिया। क्योंकि सपना के तीसरी शादी को लेके पहले से ही सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चे चलते रहते हैं, बवाल चलते रहते हैं। क्यों भैया, एक औरत का कैरेक्टर इतना सस्ता होता है क्या? मतलब वो अगर शादी की करे तो मतलब तीसरी भी कर लेगी, चौथी भी कर लेगी, मतलब उसकी कोई इज्जत नहीं होती है कि अगर उसकी उसका हस्बैंड चला गया तो उसको इज्जत की नज़र से क्या कोई नहीं देख सकता? हमेशा उसके ससुराल वाले भी ऐसे ही हैं, बाहर वाले भी ऐसे ही हैं, रिश्तेदार भी ऐसे हैं, तो जाएगी कहाँ अपने दो दो छोटे छोटे से बच्चों को लेके? सब लोग अगर उसको इस तरीके से कैरेक्टर पे वार करते रहोगे तो सपना ने कहा कि मैं अपने कैरेक्टर पे दाग लेके नहीं जी सकती कि मैं तीसरी शादी करूँगी इसलिए हक मांग रही हूँ। मैं तो सिर्फ अपना पैसा मांग रही थी। पर सपना के सास ससुर तो इतने गिरे हुए निकले कि मतलब बहू को तो छोड़ो।